मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने ऐसे डिस्कस किया था कि जो एनर्जी है लॉज ऑफ मोशन में, वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, कि कोई बॉडी अपने आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर क्या ना लगाई जाए, फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की कि अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन में घूम रही है, रोटेट कर रही है, खुद रोटेट कर नहीं सकती और रोटेट करती हुई बॉडी रुक नहीं सकती जब तक उसके ऊपर क्या ना लगाई जाए, एक्सटर्नल ना टॉर्क। जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में, वो काम टॉर्क करता है रोटेशनल में। तो जब तक क्या ना लगाया जाए, टॉर्क। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनर्शिया सिर्फ मास से मेजर होता था। अगर मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, मास कम है, इनर्शिया कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो चीजें आती हैं, एक मास और एक शेप, दोनों चीजें। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है और एक रिंग है, एक डिस्क है, एक स्फेयर है, सबका मास बराबर है और मैंने रोल करने के लिए छोड़ दिया, और रोल करते 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 नीचे, सब डिफरेंट समय पे नीचे आएंगे क्योंकि यहां पर मास जबकि सेम है, क्या चीज डिफरेंट है? शेप। शेप यानी कि मैटर करती है। लेकिन अगर आप तीन बक्से ले लो, क्यूब, क्यूबॉइड और एक बड़ा क्यूबॉइड, मास सबका सेम है और स्लाइड करते हुए नीचे लेके आओ, यानी कि जब इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, सबके सब इकट्ठे नीचे आएंगे क्योंकि इनर्शिया में शेप मैटर नहीं करती, सिर्फ मास मैटर करता है। तो इस चैप्टर में हमने चीजों को घुमाना है, घुमाने में मास के साथ शेप का भी बड़ा रोल है। तब हम किसके काम करेंगे? मास एंड शेप पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। रूल नंबर वन, किसी भी पॉइंट मास का, पॉइंट मास बस एक पॉइंट है, पॉइंट घूम रहा है एक एक्सिस के आसपास, एक पॉइंट जब घूमता है एक्सिस के आसपास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है? एम आर स्क्वायर, याद रखनी है। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, इसकी डेरिवेशन एनसीईआरटी में मुझे पता नहीं है कि नहीं, मैं स्कूल की टीचर से पता कर लेना, हमने लेकिन कर ली थी लास्ट टाइम, याद होगा। ज़्यादातर इसकी एप्लीकेशन आती है और इसकी डेरिवेशन मैं कह नहीं सकता, पर मैंने करवा दी थी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपका एक्सिस सेंटर से पास होता है तो मोमेंट इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता है? एम आर स्क्वायर। तो रिंग का फॉर्मूला याद करना है, इसकी एप्लीकेशन आएगी एम आर स्क्वायर। अगर आपके पास एक डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है तो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर, याद रहेगा फॉर्मूला। अगर एक रॉड है और रॉड का एक्सिस सेंटर से पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी? एम एल स्क्वायर बाय 12। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? एम आर स्क्वायर। डिस्क का क्या था? हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाय 2। रॉड का क्या है? एम एल स्क्वायर बाय 12। क्या ये तीन फॉर्मूलास क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो अगर एक्सिस यहां से पास कर रहे हैं तो आई की वैल्यू क्या बनेगी? एम एल स्क्वायर बाय 12। नेक्स्ट फॉर्मूला, और एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट इनर्शिया क्या रहता है? एक्सिस जब सेंटर से पास करता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर। डिस्क का क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर। रिंग का क्या है? एम आर स्क्वायर। डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक। रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 12। तो डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, अभी किया, रिंग का एम आर स्क्वायर, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 12, सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर का, ये लो याद रखना, अगर ये हॉलो है तो हॉलो स्फीयर का, यानी कि इसको शेल भी बोलते हैं, शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। तो रिंग का क्या है? एम आर स्क्वायर। डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर। रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 12। सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर और हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर। और अगर सिलेंडर का एक्सिस यहां से पास करता है तो आई का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर, और अगर ऐसे पास करता है तो एम इंटू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 12। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ये हमने फॉर्मूलाज कर लिए थे। इन फॉर्मूलाज के बाद एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं।